बताया कि यूपी में बीजेपी का दांव नाकामयाब रहा, तो वहीं दो लड़कों ने पूरा दमखम लगाकर नतीजे ही पलट दिए। ऐसे में आम जनता का क्या कुछ मानना है, देखिए। देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसके नतीजे भी आ गए। नतीजे कहीं ना कहीं चौंका देने वाले रहे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नतीजे जिस तरह से निकले हैं, ऐसे में भाजपा के लिए काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि जहां भाजपा एक तरफ 80 में 80 सीटों का दावा कर रही थी, वहीं कहीं ना आधे पर भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूपी में कहीं ना कहीं दो लड़कों ने पूरी दम दिखा दी, वहीं भाजपा का जो दांव था वो नाकामयाब रहा। इस पर आम जनता की क्या राय है, इस वक्त राजधानी लखनऊ में लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनीत सिंह। विनीत जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि यूपी में दो लड़कों का कमाल रहा है? बिल्कुल कमाल रहा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूजेक्स का और इंडिया न्यूज़ का और रिव्यू लेने के लिए। दो लड़कों ने बहुत ही जम के कमाल किया और दो लड़कों का रिव्यू ये रहा कि ये मान के चला जाए जिस हिसाब से लोकसभा के परिणाम आए हुए हैं, इस हिसाब से तो दो तिहाई का बहुमत है और बीजेपी एकदम सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक है, सारे दावे इनके फेल हो गए, सारे मठाधीश फेल हो गए, सारे पाला बदल इनके जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, जो अभी नज़दीक में 6-7 विधायक 11 विधायक इन्होंने लिए, उन सबके दांव फेल रहे। इन्होंने यहाँ से नहीं, इन्होंने जो बंबई से लाके कैंडिडेट इन्होंने जौनपुर में लड़ा दिया, कृपा शंकर जो पूर्व गृह मंत्री रहे उनका भी हार गए, तो इसलिए सारे के सारे दांव फेल रहे। और दोनों लड़कों की जोड़ी बहुत कमाल दिखाया और इस स्थिति में बीजेपी की जड़ें उत्तर प्रदेश से हिल गई हैं, बाहर निकल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी की जड़ें हिल गई, लड़कों ने कैसे कमाल किया, आपको क्या लगता है? अरे, दोनों लड़कों ने बहुत कमाल कर दिया और एक तानाशाही का अंत हुआ, जो तानाशाही चल रही थी इस देश में, कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हो उसको जेल में डाल दिया जाए। तो आज हम यही कहेंगे ये तानाशाही अंग्रेज शासन का अंत हुआ है और आगे 2027 में ख़त्म हो जाएगा जो भी बचा है सुपड़ा। आप बताइए, क्या लगता है कि किस तरह से यूपी में जो बीजेपी का जो दांव था वो नाकामयाब रहा और जो दो लड़कों की जोड़ी है उसने कैसे दमखम लगाया? दो लड़कों को जोड़ी के विषय में यही कहना चाहता हूँ, अगर परिवार के मुखिया गलत जा रहा है, सभी प्रकार से पूरे भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को परिवार का मुखिया माना था, उनकी तानाशाही, उनकी टीम की तानाशाही को देखते हुए घर का छोटा सदस्य भी विरोध कर सकता है और इन लड़कों ने पूरे समाज के अंदर वो विरोध करके दिखाया, उसका परिणाम मोदी जी को, योगी जी को, सबको सामने मिल गया, क्योंकि इन लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है न कमी थी संसाधन की न ताकत की और इन्होंने जो चाहा वो किया। एक सांसद बनाम पूरी जनता भारी थी कि एक सांसद भारी था, अगर उसने अभद्र टिप्पणी किया महिलाओं घर की, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी गरीब दलित वर्ग की महिला हो, अगर उसके सम्मान खिलाफ कोई बात होती, अगर कहा जा रहा कि व्यक्ति दोषी है तो उसको थोड़े दिन के लिए अगर बैठाया भी जा सकता तो उसमें उनका कोई नुकसान नहीं था। इसका परिणाम इनको सामने मिला खुल के और आगे भी मिलता रहेगा, तानाशाही करेंगे, आगे भी जवाब मिलता रहेगा और इसका परिणाम ये दोनों लड़कों ने बहुत सही दिया, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, आप क्या कुछ कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं लोकसभा में, ऐसे में लगता है आपकी कि दो लड़कों की जो जोड़ी थी उन्होंने पूरा दमखम लगाया और कौन सा ऐसा दांव था जो नाकामयाब रहा बीजेपी का जिसकी वजह से शिकस्त लगी? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी को ये दोष देना बहुत जरूरी था कि नहीं तो बीजेपी बहुत सारे गलत काम कर रही थी, 4-5 मुद्दे लेकर, जैसे कि महिलाओं के साथ बहुत अपमान कर किया जा रहा था और कुछ काम थे, ये कम से कम ये इतने मेहनत करके जो बीजेपी गलत मुद्दे को उनको संकेत मिला। आपको बहुत लगता है कि दोनों लोगों ने मेहनत की यूपी में? बहुत मेहनत की और ये मेहनत कामयाब हुई हमारी लोगों की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे, क्या कुछ नाम है आपका? क्या नाम? रमेश कुमार। रमेश जी, बताइए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे भी आ गए, नतीजे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो काफी चौंका देने वाले नतीजे थे। 80 में 80 का दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, 40 भी नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे दो लड़कों की जोड़ी ने क्या पूछा? अरे, इन लोगों का बहुत ही गलत वो था, ये जो है जो भी काम किए हैं बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जो भी 400 पार 500 पार जो चिल्ला रहे थे कुछ इसकी वजह से इनको हुआ है और ये लोग जो है बहुत ही गलत प्रदर्शन किया है। कुछ लोग और हैं, जा रहे हैं, बात करते हैं उनसे भी। सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ लगेगा आपको? हम सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ विकास होना चाहिए, रोडों के जो है मरम्मत होनी चाहिए, नालियाँ अच्छी तरह से निकलना चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, रोड, लाइट, बिजली, जो बाहर से लोग आए हैं उनको ये मिलना चाहिए, जो गाँव में है आज की डेट में वो भी यहाँ शहर में नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ के लोग और जो भी सांसद है या जो विधायक है वो देखें।
अच्छा ये बताइए कि यूपी में जिस तरह से रिजल्ट आया, 80 में 80 का दावा किया जा रहा था लेकिन 40 भी नहीं पहुंच पाई बीजेपी, ऐसे में जो बीजेपी का दावा था वो तो फेल रहा, वहीं अगर हम दो लड़कों की बात करें यानी राहुल और अखिलेश की अगर हम बात करें तो क्या कुछ उन्होंने ऐसा मेहनत किया या क्या कुछ ऐसा दाव लगाया जिससे वो सफल रहे? नहीं नहीं, मेहनत तो देखो मेहनत सभी कर रहे हैं, मेहनत उनने भी किया, मेहनत इसने भी किया है, लेकिन ये लोग ग्राउंड में नहीं उतरे, वो ग्राउंड में उतर गए इसलिए उनको बेनिफिट मिला है। जो ग्राउंड में उतरेगा उसका बेनिफिट मिलेगा, जो ग्राउंड में नहीं जाएगा, जो एसी में रहेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि आम पब्लिक की क्या कुछ राय थी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि 80 में 80 सीटों का जो दावा है वो किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन आधे पर भी नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी का दांव फेल होता हुआ साबित हो रहा। तो वहीं अगर हम दो लड़कों की जोड़ी की बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरा दमखम लगा दिया। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए प्रतापगढ़ में कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशियों की हार की वजह क्षत्रिय समाज की नाराजगी बताई जा रही है। अनुप्रिया पटेल के राजा भैया पर बयान के बाद राजा भैया समर्थकों की नाराजगी भारी पड़ी, जहां इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस बारे में प्रतापगढ़ में लोगों की क्या राय है सुनिए आप। प्रतापगढ़ में जहां भाजपा प्रत्याशी संगमलाल की हार हुई है, वही वजह मानी जा रही है कि क्षत्रिय वर्ग नाराज हुआ और खास करके राजा भैया के समर्थक उस बयान से नाराज हुए अनुप्रिया पटेल के जो उन्होंने कौशाम्बी में दिया कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता बल्कि ईवीएम से पैदा होता है। इसके बाद जनसत्ता दल के समर्थक आक्रोशित हो गए और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। वहीं जहां कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में इसका असर देखने को मिला, वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर राजा भैया के इस बात से कैसे नाराज हुए और क्या वजह रही कि नाराज हो गए अचानक। भैया राजा क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। ये जो बयान आया अनुप्रिया पटेल का, इसके बाद क्या सीन बनी प्रतापगढ़ में? देखिए जो बयान आया अनुप्रिया जी ने जो दिया निश्चित तौर पर अमर्यादित बयान था, इससे जनता पर असर पड़ा। माननीय राजा भैया प्रतापगढ़ एक तरीके से गौरव माने जाते हैं, उनका एक वर्चस्व है और उनके नाराज होने से निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी पर असर पड़ा है। मतदाता कुछ असंतुष्ट हुए, विशेष रूप से क्षत्रिय मतदाता असंतुष्ट हुए, जिसके लिए भाजपा को नुकसान पड़े। ये मानना ही पड़ेगा कि अनुप्रिया का बयान अमर्यादित था और ये उचित नहीं था। बिल्कुल, पार्टी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, जो बताते हैं कि अनुप्रिया के बयान से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान हुआ। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। आप हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, क्या प्रभाव हुआ और बयान के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बताइए, और क्या फर्क पड़ा प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ के राजा भैया के पक्ष में अनुप्रिया जी के बयान पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक इफेक्ट हुआ है, जिससे भाजपा प्रत्याशी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजा भैया के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, वर्ग समुदाय के बारे में, किसी भी एक मंत्री को इस तरह का अमर्यादित अशोभनीय बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह का बयान हुआ, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आई। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम यशवी उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या फर्क पड़ा प्रतापगढ़ में इस बयान को लेकर? देखिए, फर्क की जहां तक बात है, अनुप्रिया के अंदर वैसे भी बोलने का बरबोलापन रहा है। वो कभी किसी पार्टी को हीरा बता देना, कभी किसी पार्टी को जो है कहने में रानी के पेट से पैदा होना बता देना, ये सब कार्य जो है थोड़ा अशोभनीय लगते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक मर्यादा में रहकर ही काम करना चाहिए और अपने बरबोलेपन के कारण जो है वो पार्टी का और लोगों का भी नुकसान करती है, जनमत का भी नुकसान होता। बिल्कुल, बरबोलेपन के कारण पार्टी और जनमत का नुकसान किया। प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी की हार का रिजल्ट सामने है। हमारे साथ और लोग हैं, मिश्रा जी, क्या प्रभाव पड़ा प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ जो बयानबाजी हो गई? राजा भैया प्रतापगढ़ के गौरव माने जाते हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करना उनको भारी पड़ा है, भाजपा को। बिल्कुल भारी पड़ा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। राजकुमार जी, कुछ फर्क पड़ा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा। उनको ऐसा मर्यादित बयान नहीं देना चाहिए था।
देखिए हमारे साथ है भाजपा के भी समर्थक हैं, राजा भैया के समर्थक भी हैं, और ऐसे वर्ग हैं जो अनुप्रिया पटेल के खेमे के कहे जाते हैं उनके भी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबका कहना है कि कहीं ना कहीं राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया की बयानबाजी और उसके बाद राजा भैया समर्थकों और उनके पार्टी के लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार दिला गया और उसकी वजह बना। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, इंडिया न्यूज।